नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरिमा की रसोई से। इसमें हम नए नए रेसिपी सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आप मेरे वीडियोस पूरा देखिए एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं हम सभी का फेवरेट मैंगो शेक। इसके लिए हमने लिया है 2 पके हुए आमों का पल्प, 1.5 से 2 कप दूध, 2 से 3 चम्मच शक्कर, गार्निशिंग के लिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर और केवड़ा एसेंस। इलायची पाउडर और केवड़ा एसेंस में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को पसंद है तो इसको डालिए और नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का खुद अपना ही एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। अब सबसे पहले हम पल्प को ब्लेंडर में डालेंगे। शुगर डालेंगे और मिल्क डालेंगे और इन सभी चीज़ को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। हमारा मैंगो शेक एकदम रेडी है ना, कितना डिलीशियस देखने से ही लग रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे। दिख रहा है ना कितना यम्मी। इसको हम थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। आप इसमें कुछ टूटी फूटी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आज हमारी रसोई में बनने जा रही है पुणे की फेमस मैंगो मस्तानी। इसको कई तरीके से बनाया जाता है, तो आज आप देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 2 कप आम का पल्प, कुछ कटे हुए आम के टुकड़े, 1 से 1.5 कप दूध, कुछ गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, कुछ टूटी फ्रूटी और स्वाद अनुसार शुगर और स्ट्रॉबेरी सिरप। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो मैंगो पल्प है उसको मिल्क और शक्कर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। मैंने 2 से 2.5 चम्मच शक्कर ली है। ये आपकी आम की मिठास के ऊपर निर्भर है, इसके लिए आप अच्छे मीठे आम चूज़ कीजिए। हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का मैंगो शेक रेडी है। इसके लिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा मैंगो शेक चाहिए और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, इसके लिए हमें वनीला आइसक्रीम भी चाहिए। ये होम कुक्ड वनीला। अब सबसे पहले हम अपने ग्लास को तैयार करेंगे ताकि थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। अब इसमें हम अपने चॉप्ड थोड़े से
मैंगो स्लाइस डालेंगे। देन हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मैंगो शेक डालेंगे, है ना, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा। अब हम इसमें फिर से मैंगो शेक डालेंगे। फिर से स्पाइस क्रीम डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंगो स्लाइस भी डाल देंगे हम। थोड़ा सा हम इसे चेरी से डेकोरेट कर देंगे। लीजिए, अब हमारी मैंगो मस्तानी एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।